निषाद नौकायन विकास समिति के द्वारा शनिवार को रामगढ़ झील में 12 सीटर फैमिली बोट को पानी में उतारा गया। आपको बता दें, पहले दिन ही रामगढ़ ताल में उतरते ही यह बोट नागरिकों की पहली पसंद बन गई, जिसके संबंध में निषाद नौकायन विकास समिति के सचिव राधेश्याम शाहनी ने बताया कि बोट को हरियाणा के गुड़गांव से लाया गया है, जिसकी लागत 12 लाख है। इस बोट में 12 नागरिकों की बैठने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट पहनाकर ही बोट में बैठाया जा रहा है, तथा जो बोट का चालक है वह खुद गोताखोर है। उन्होंने बताया कि यह बोट लहरों में भी आसानी से चल सकता है। यात्रियों के मनोरंजन के लिए बोट में म्यूजिक सिस्टम की भी व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि जो लोग नेपाल, नैनीताल तथा अन्य जगहों पर घूमने के लिए जाते थे, अब उनको सारी सुविधा नौकायान पर उपलब्ध हो सकेगी। वहीं बोटिंग करने वाले नागरिकों ने कहा कि बोट पर बैठकर बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बोटिंग करने वाले नागरिकों एवं समिति के सचिव राधेश्याम शाहनी ने कहा, कोई दिक्कत नहीं बताइएगा तो। अपने कौन से किला अमन चौहान सर, यहाँ पे फैमिली बोट आया आपने, उस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, आनंद आया घूमने में, अच्छा लगा। लेकिन बहुत जल्दी पता नहीं चला कब रिटर्न लेके वापस चले आए। हम लोग गए अभी, हम लोग सोचे कि बीच में अभी सेल्फी रहे तब तक यहाँ तक आ गए। थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया जाए दूरी और सब सही है। रीता चौहान, अभी नौकायन समिति पहली बार फैमिली बोट आ गए, आप उससे घूमा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कितना आनंद आया, कहाँ तक? बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। क्या लग रहा कि और भी फैमिली यहाँ आएंगे? हाँ, फिर दोबारा भी आएंगे घूमने अपनी फैमिली के साथ। क्या नाम? ये हमारे हस्बैंड है। राधेश्याम सानी, सचिव निषाद नौकायन विकास समिति। आज आप लोग के द्वारा फैमिली बोट यहाँ पर लाया गया है, इस बोट में कम से कम 12 लोग बैठ सकते हैं और यह हैवी बोट है, 60 हॉर्स पावर की इसकी इंजन है। गुड़ग्राम से इसको लाया गया है, हरियाणा गुड़ग्राम से है ये, और इसकी इसमें म्यूजिक सिस्टम, लाइट, स्पीड और वजन होने की वजह से सुरक्षित भी है, लहरों में चल सकती है। ये बोट जो है
और हमारे सारे गोताखोर ही चालक भी है उसमें। अभी तक जो क्या स्थिति रही है यात्रियों की, यात्री जो भी अभी आए हैं उनको यह लग रहा है कि जो हम लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, गोवा हो गया, नैनीताल हो गया, पोखरा हो गया, ये सारी सुविधा इस गोरखपुर में मिलनी शुरू हो गई है। महाराज जी के द्वारा जो एक सपना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है गोरखपुर को पर्यटक के रूप में विकसित करना, पर्यटकों के द्वारा ही यहाँ पे एक बेरोजगारों को रोजगार मिले, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सपनों में कुछ सहभागिता के द्वारा पूरा किया जाए। कितने यात्री इस बोट पे बैठ सकते हैं? इस बोट पे 12 यात्री बैठ सकते हैं और हम लोग इस समय कम ही बैठाया जा रहा है।